आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एन एनिमल एंड अ प्लांट रिप्रेजेंट एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया। तो एंडेंजर्ड क्या होता है, ये एक स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस। तो एक पूरा स्केल होता है, सबसे एंड में होता है लीस्ट कंसर्न, यानी कि LC, मतलब ये एनिमल इतना अबंडेंस में है कि इसके लिए हमें कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं, इसकी पॉपुलेशन काफ़ी स्टेबल है एंड मोर देन स्टेबल है। तो इसके अलावा दूसरे एंड में होता है एक्सटिंक्ट, यानी कि कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, अब ऐसा एक भी ऑर्गेनिज्म बचा नहीं जो उस स्पीसीज का रिलेटेड हो, उस स्पीसीज का हो अर्थ में, कम्प्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम द प्लैनेट। और उसके बीच के होते हैं डिफरेंट लेवल्स के थ्रेटन अमाउंट ऑफ थ्रेट, जैसे कि एक होता है स्टेबल बट नियर थ्रेटन्ड, उसके बाद आता है वल्नरेबल, यानी कि अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, उसके बाद आता है एंडेंजर्ड, फिर आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और इसी तरह फिर एक और आता है जिसका मीनिंग होता है कि अवेलेबल अलाइव ओनली इन एक्सिटू, यानी कि लोगों ने जहाँ पे जैसे जूज में ही बचा हुआ एक या दो, एंड फाइनली एक्सटिंक्ट कि वहाँ पर भी नहीं बचा हुआ। तो इस स्केल के हिसाब से ऑप्शन ए देखेंगे जो कह रहे हैं सिंकोना एंड लेपर्ड। तो सिंकोना एक प्लांट है एंड लेपर्ड जो काफ़ी फेमस एनिमल है। तो जब सिंकोना की बात करें तो सिंकोना इंडिया में पाया ही नहीं जाता, ये पाया जाता है कहाँ पे, ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में। और लेपर्ड एंड सिंकोना दोनों के दोनों है वल्नरेबल। तो वल्नरेबल होने का मतलब है कि अभी एंडेंजर्ड हुए नहीं है, नेक्स्ट स्टेज होगा एंडेंजर्ड, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है इंडिया की बात कर रहा है, तो सिंकोना जो है वो इंडिया में है ही नहीं, लेपर्ड है लेकिन वो वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड नहीं है। फिर कहता है कि बैनियन एंड ब्लैकबक, अब ये दोनों स्पीशीज इंडिया में काफ़ी फेमस है, बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़, और ब्लैकबक जो काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज एक फेमस सेलिब्रिटी ने पे चार्जेस इसको मारने के लिए। तो ब्लैक बैनियन ट्री की बात करें तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कल्चरली कि लोग हर जगह उगाते हैं इसको, इस पर पूजा करते हैं, तो बैनियन तो हो ही नहीं सकता कि वो एंडेंजर्ड हो, वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है पूरे इंडिया में और लीस्ट कंसर्न में। और जो ब्लैक बक है उसकी भी पॉपुलेशन अब काफ़ी जाके स्टेबल हो चुकी है, हो सकता है पहले होता हो ही एंडेंजर्ड लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी अब ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है स्टेबल। और ये आता है कैटेगरी नियर थ्रेटन्ड में, मतलब है प्रॉब्लम लेकिन उतनी नहीं है, वल्नरेबल से भी कम है। अब ऑप्शन डी की बात करें तो उसमें कह रहा है टैमरिंड यानी हल्दी। तो हल्दी हमारे कल्चर का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये भी लीस्ट कंसर्न में आता है, एंड सिमिलर एंड सेम गोज फॉर रीसस मंकी। रीसस मंकी होता है देसी बंदर, तो बंदर तो आप देख सकते हो हर जगह होते हैं, हर पेड़ पर होते हैं, सिटीज़ के जो पार्क्स होते हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं, बनारस में जाकर देखिए वहाँ पे पूरी उनकी सोसाइटी कॉलोनी है बंदरों की, तो बंदर भी लीस्ट कंसर्न में आते हैं। तो टैमरिंड एंड रीसस मंकी कमांडर लीस्ट कंसर्न, बचता है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में सबसे पहला बोल रहा है बेंटिकिया निकोबारिया। अब इसका स्पीसीज का नाम देखिए निकोबारिया, तो ये वो प्लांट है जो कि निकोबार आइलैंड्स में ग्रो करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑब्वियस डिफॉरेस्ट्रेशन क्या हो चुका है कि अब ये हो चुका है काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड, वल्नरेबल से एक लेवल और नीचे। एंड रेड पांडा ये भी हो चुका है एंडेंजर्ड। तो ये दोनों ही स्पीशीज है पूरे लिस्ट में जो कि एंडेंजर्ड है और ऑप्शन सी के अंडर आते हैं, दैट्स वाई ऑप्शन सी रेड पांडा एंड बेंटिकिया निकोबारिया इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।